जो वर्णन है इस उपन्यास में समुद्र का और चट्टानों का, और उदास लग रही है वह जगह जिसका उदास होना केवल मुझे लगता है बालू की अनुपस्थिति नहीं है, वह एक समूचा मूड तैयार हो रहा है, वो एक सिक्स सेंस है जो वो जानता है कि ये स्त्री दुख में है, नैरेटर उसके दुख में भीग रहा है। और हम आगे इसको पढ़ेंगे कि ये कथानक किधर जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब ये जिस जगह को उदास कह रहे हैं उस जगह तत्क्षण चले जाने की मेरी एक ऐसी इच्छा हो रही है। अभी थोड़े समय पहले मैं केरल गई थी ज़िंदगी में पहली बार, नवंबर का महीना था और वहाँ पहुँचते ही जिस तरह की गर्मी थी वहाँ से लौटने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, इतना खूबसूरत समय था। वहाँ मैंने बैक वाटर पे बोटिंग भी की और एक चेहरा बीच गई, मैं कोचिंग का बीच भी गई और वहाँ पर भी अधिकांशतः यही है, चट्टाने हैं और बालू बहुत कम है और समुद्र नीचे है और बाकी शहर ऊपर है, बहुत से फिरंगी, बहुत से विदेशी, बहुत सी सी फूड की दुकानें, बारबेक्यू, होटल, सब कुछ तो बहुत कमर्शियलाइज्ड है। ऐसा एक बीच अगर मुझे मिल जाए जो इस तरह से कटहल के पेड़ों से शुरू होकर और नारियल के झुरमुट से शुरू होकर अकेले एक चिघाड़ते, कराहते, रोते से सत्ते या पता नहीं, हो सकता है अच्छे मूड में देखें तो मुस्कुराते हुए समुद्र पर, जो हो सकता है बालू के लिए बेचैन हो, चट्टानों से उसकी भी देह छिन गई हो, लेकिन अगर ऐसे किसी समुद्र तट पर अभी मुझे जाने को मिल जाए तो ये समस्या तो होगी कि मैं समुद्र में जाऊं कैसे, ये चेन्नई बीच में भी बहुत हुई थी, लेकिन मुझे तो लगेगा कि आई एम इन पैराडाइज, मैं किसी स्वर्ग में आ गया। लेकिन दोस्तों वो एक पर्यटक की दृष्टि है जो मैं कह रही हूँ सीधा, ये एक मूड है जो इस उपन्यास का है, और ऐसा हो सकता है कि अगर आप लगातार वहाँ हों, फिलहाल मैं मैदानों में हूँ, मैं मैदान की बेटी हूँ, है ना, मैदान का मतलब समतल जगह, ना यहाँ पहाड़ है ना समुद्र है ना सब कुछ है, ये बस आम और लीची के बगीचे हैं यहाँ, है ना, लिच्छवियों का गणतंत्र था यहाँ। लेकिन अगर आप लगातार वहाँ रहते हैं तो हो सकता है कि आप ऊब भी जाए। लेकिन जब केरल में बाढ़ आई थी तो लोगों ने ये कहा कि बाढ़ की जो वजहें हैं वो सब मैन मेड हैं, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव नियर द बैक वाटर्स, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर का दरवाज़ा ज़मीन पे नहीं पानी पे ही खो जाए। तो इस तरह की बहुत सी बातें खुद मेरे मलयाली दोस्तों ने कही, मुझे वहाँ के इकोसिस्टम को समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक कथा है, एक नायिका है जो बुरी तरह हमें अपनी ओर खींच रही है, नायिका की कथा है जो वो नायक के माध्यम से हमें सुना रही है, नैरेटर हमें नायिका की कथा सुना नहीं रहा वाचक की शैली में, उसके साथ के वार्तालाप में ये कहानी उभर उभर कर आ रही है, सिंथिया जिनका नाम है। लेकिन जितना सिंथिया हमारे ऊपर हावी हैं उतना ही सिंथिया का माहौल, शायद सिंथिया को वो समुद्र तट उतना उदास नहीं लगा है जब वो उस पगडंडी से होती हुई उस व्यक्ति को वहाँ तक ले गई, शायद उसके लिए वो केवल फिलिप की स्मृति भी नहीं है। लेकिन बड़ी मार्के की बात वो कहती है कि मैं एक ऐसी गलती की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने की ही नहीं। और दोस्तों ये मेरे साथ भी हुआ है जीवन में, बहुतों के साथ होता है, नौकरी में भी, ज़िंदगी में भी और समाज में भी। मान लीजिए कि अगर आपका एक प्रेम संबंध बिखर जाए और टूट जाए तो आप ऐसे ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। मतलब फिलहाल मैं एक ऐसे भारतीय समाज से मुखातिब हूँ जहाँ शादी और पति एकदम परमेश्वर की कोटि में है। तो बहरहाल कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे ये लगता है कि सिंथिया हल्के से उत्साह से भर कर, क्या आप उसे देखना चाहेंगे, वो समुद्र तक उन्हें ले गई हैं, और हमारा नैरेटर भी खासा मांगी और खोजी पर्यटक है, बहुत अच्छा है वह सिंथिया के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी ये मेरी अपनी आलोचकीय दृष्टि है,
बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है गोपाल माथुर जी ने। नैरेटर का चरित्र चित्रण भी उतना ही दिलचस्प है। एक व्यक्ति जो मैंगलोर में आगंतुक है और सिंथिया नाम की एक औरत की कथा से रूबरू हो रहा है, उत्सुक है। एक छोटा सा बच्चा है पृष्ठभूमि में जिसने अपने पिता को नहीं देखा। मस्कट पलायन कर गया एक व्यक्ति है और समुद्र की लहरें हैं जिनमें रुमान भी है, जिनमें दुख भी है, जिनमें इतना जल है कि वह हमें उनका क्रोध कर देता है। तो दोस्तों, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आशा है कि अगर हम यहाँ पर भी छोड़ दें तो भी आपने उपन्यास को कुछ हद तक ज़रूर आनंद से सुना और सराहा उपन्यास के कथानक को, उसकी शैली को, उसकी भाषा को, उसकी मार्मिकता को, और इसके लिए धन्यवाद आपको। और नहीं तो आप यूं भी टिप्पणी कर सकते हैं, आपकी टिप्पणियों का बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा पाठ और मेरी बातें अच्छी लगती हैं।